वंदनीय सिंह समाज निर्चिर विवेकी बंधुओं सर्वसम्मति से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह सत्संग प्रारंभ हुआ 29 सितंबर को और आज 19 अक्टूबर को समाप्त हो रहा 21 दिन का और पहले भी होता था। शुरू से आश्रम बना तब से यहाँ 3 दिन कभी 5 दिन कभी 10 दिन का सत्संग होते चले आए। सतगुरु श्री विलास राय जी के जब शरीर टूटा उस समय श्री धर्मेंद्र साहेब जी के द्वारा सत्संग यहाँ 10 दिन और 5 दिन बीता था और 5 दिन उसी छठवां दिन में साहेब और हम सब गए और बाद में भी आज चल रहा है और हम आशा भी करते हैं ये व्रत 2 वर्षों से मासिक सत्संग शुरू हुआ है। हर महीने एक अपने को भी लाभ मिलता है सेवा और सत्संग का। जो सेवा सत्संग का महत्व समझते हैं उनको भी लाभ, जितना भी आए कम नहीं। लोग आते हैं अपने अपने समझ और श्रद्धा के अनुसार लाभ ईश्वर से बीजक चिंतन से भी और हमारा जीवन तो हम सोचते हैं सत्संग में ही जाना है। जैसे कहा जाता है जीवन का अधिक समय हम व्यवहार में देते हैं। शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसके लिए भी 8 घंटा हर मनुष्य देता है, चाहे व्यापारी हो हो चाहे कर्मचारी, 8 घंटा से अधिक नहीं देता और 8 घंटा से अधिक सोता भी नहीं, फिर भी 8 घंटा समय बचता। इंसान अपने आत्मा के महत्व को समझे, जो जानो जीव आप करहु जीव को सा, जीरा ऐसा पाहुन मिले न दूजी। इस शरीर में जीरा आत्मा ऐसा पहुना है, निकल गया फिर दोबारा लौट करके इस शरीर में नहीं आता। और शरीर से आत्मा जीव के निकल जाने के बाद यह शरीर निरंतर सड़ना शुरू हो जाता है। आप सभी का अनुभव है, देखे भी होंगे, यदि संध्या कालीन किसी का शरीर छूट जाता है और सुबह 10-11 बजे तक उसको रखना है तो नाक में कान में क्या डाल देते हैं, रुई डाल देते हैं और अगरबत्ती सेंट वगैरह वहां से बदबू ना नुकसान। जीव के निकल जाने के पास शरीर केवल सड़ना, शरीर भी गया और आत्मा भी गया, आत्मा भी लापता हो गया शरीर से छोड़ करके और शरीर को जैसे छूटा कि शरीर 10-12-24 घंटे के अंदर में उसको चाहे जलाओ जगाड़ो शरीर भी नहीं मिले, केवल प्रतिमा चित्र के रूप में। ये महापुरुषों का जो चित्र है वो आप घर में भी बहुत महापुरुषों का परिवार के सदस्यों का जो दिवंगत हो गए उनको रखें, केवल यादगारी के लिए होता है, वे दोबारा नहीं आता।
अब उसको हम पूजा के पात्र बना ले, जैसे शरीर छूटा सब गए दाह संस्कार के लिए, जब लोग आते हैं वहां से नहा धो करके तब उसके प्रतिमा को कुर्सी में रख करके उसमें फूल अगरबत्ती वगैरह से स्वागत, उसमें जान नहीं है, जान तो पहले निकल गया, शरीर भी निकल गया, केवल चित्र है, चित्र है, चरित्र नहीं है, उसके हम लोग पूजा करते हैं। यदि उनके जीवन काल में उसी प्रकार से पूजा किए होते तो उसकी आत्मा का स्थान, मेरा बेटा बहू नाती पोते इतना मेरा देखभाल कर रहे हैं, मेरा उसको गौरव महसूस होता जो करना था। इस प्रकार से शरीर से आत्मा निकल गया तो शरीर कोई काम का नहीं और आत्मा को खोजने पर मिलेगा, इसलिए कहा है जो जानो आप। जीव को यदि अपना जानते हो, जैसे हम पति को पत्नी को बेटी बेटा को धन घर को अपना मान करके उसमें समर्पित होते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से अपनी आत्मा का ये आत्मा जिसे जीव चेतन भी कहा जाता है, कोई एक बार निकल गया दोबारा नहीं आएगा। हम लोग जाना चाहते हैं इलाहाबाद, यदि प्रारब्ध बाकी रहेगा पुनः आकर के आप सबसे भेंट मुलाकात करेंगे। प्रारब्ध यदि अंत होगा तो वहीं ही हमारा रास्ता में ही होगा, अंत हो जाएगा, फिर ना वहां पहुंच पाएंगे। जीवन का कोई भरोसा नहीं है कहां पर कब मौत, इसलिए अपने आत्मा का भी महत्व, सबसे ज्यादा महत्व आत्मा का है और ये जीवन का है, जीवन शरीर जीवन काल, जीवन काल जैसे मैं जीवन काल में मैं बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जीवन में व्यवहार कर रहा हूँ, ये जीवन, तो जीवन काल जब तक है तब तक ये शरीर है, शरीर का महत्व और आत्मा महत्व समझ कर ऐसा हम काम करें, ऐसा हम काम करें ताकि हमको शांति मिले, अंत समय में पश्चाताप करते हुए रोते हुए जाना ना पड़े और आने वाले को भी अच्छे सीख मिले, अच्छे सीख मिले। वैसे काम करने के लिए ही इस सत्संग बताता क्या करना चाहिए अपने लिए, अपने परिवार और समाज। तो इस प्रकार से जो जानो जीवापना कर हीरा ऐसा पाहुना मिले नहीं दोबारा। इसके लिए हम तो चले गए, शरीर भी छोड़ दिया, आत्मा भी चले गया, लेकिन समाज को दोबारा नहीं मिलेगा, समाज को दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया वृद्धों की सेवा प्यार बच्चों से आनंद महकेगा गुलाब, आए अतिथि संत गुरु का संस्कार, धरती में स्वर्ग, स्वर्ग अपने घर में बसाना चाहते हो तो वृद्धों की सेवा प्यार बच्चों से और अपने आत्मा का भी एक बार अवसर मिला है, मौका मिला है। अंत में कोई किसी का नहीं है, जो मरने वाले तो चले गया लेकिन जो है उसके लिए भी वो दोबारा दर्शन नहीं होगा, चाहे हम उसके नाम से जैसे आज हम और ये सतगुरु साहब के नाम से ही नहीं पहले भी आस्थापना आज लोग पितर मानते हैं, वार्षिक श्राद्ध करते हैं, हर साल में अपने पूर्वजों को याद करते हैं, लेकिन जो कुछ भी आप देते हैं खिलाते दान धर्म करते हैं वो उनको मिलेगा, जो गया हुए दिवंगत को
केवल धोखा है। जो कुछ भी आप करते हैं अपने मन की शुद्धि, दिल को मजबूत बनाने के लिए और परिवार को भी, जो करते हैं वो अपने उसको कुछ नहीं, जीवन काल में जो किया उन्होंने उसको वो मिला, और हम कर रहे हैं उसका फल। इसलिए अपने दिल को पवित्र बनाने के लिए ही हम एक बहाना उनके नाम से हम भजन सत्संग दान धर्म करते बर्थडे मनाते हैं बच्चे का, तो भी उसी प्रकार बच्चों को भी संस्कार मिलता है और उसी बहाना से मिलता है। तो इस प्रकार से यह सत्संग निरंतर होते चले आया है और हम सब यही कोशिश करेंगे, और कोई बड़े पुरुष ना आए तो इसी प्रकार से महीना महीना चलता आश्रम में आप देते हैं, तन से सेवा करते हैं, धन भी देते हैं, तो समय दान भी दें और आकर यहाँ सत्संग के लाभ जितना भी लोग आएंगे सत्संग में जीवन जाता है। सत्संग से ही इंसान का जीवन बदलता है। सत्संग ना मिलते मिले होते हमें तो इस गति पर हम रहा बैठते, गुरु ना मिले होते, सत्संग ना मिले होते तो इस योग्य योग्य होते हम, जैसे आप लोग बैठे हैं, जैसे आप लोग कमाते हैं, बीबी बच्चे उसी प्रकार से। लेकिन ये सत्संग का फल गुरु और संतों का कृपा, कोई कमी महसूस नहीं होती। जब यहाँ पर आश्रम का विशुवा भक्त ने दान दिया आश्रम बना करके, तो पहला काम हम लोग किए कि समिति के गठन और संस्था के नाम से सारा जो भी चल अचल संपत्ति आता है ट्रस्ट, लोगों से सुनने को मिलता था जो दान दे रहे हैं वो किसके नाम से होगा, तो हमने शुरू से अपने नाम से व्यक्तिगत कुछ भी नहीं रखा, जो मिला ट्रस्ट के नाम संस्था के नाम से है, अब वो कभी बिकेगा भी नहीं, अचल संपत्ति रूप में। चल संपत्ति जो मिलता है हमें, जो कुछ आप देते हैं वो मेरा नहीं है, उसमें से एक कौड़ी भी मेरा नहीं मानता, शुरू से एक कौड़ी भी मेरा नहीं है, एक पाई भी मेरा नहीं है, उसी को समाज सेवा और आश्रम की व्यवस्था में खर्च, और अपना भी खर्च चल रहा है उसी में, और हमारा खर्च क्या है, रोटी कपड़ा मकान को मिला है, और जीवन एक गुरु कृपा, गुरु कृपा। इसलिए हम सब सतगुरु कबीर, और हम मैं सोचता था राम के समय में होता, कृष्ण के समय में होता, कबीर के समय में होता, बुद्ध ईसा के समय में होता, कितना अच्छा होता उनके पीछे चलता। लेकिन वर्तमान में सतगुरु श्री विलास साहेब जी के शरण में आया तो सब कुछ को पा गया। सभी महापुरुषों का जीवन दर्शन लिखने वाले संसार के महापुरुष नाम की इतनी बड़ी मोटी पुस्तक, 28 महापुरुषों का, पाश्चात्य देशों का भी है और इस देश का भी है। तो इस प्रकार से सतगुरु श्री विलास साहेब जी को पा करके हम पूरे सभी महापुरुषों को पा गए। वे न मिले होते तो आज कबीर पंथ में ही अन्य जैसे राम है, कृष्ण है, बुद्ध महावीर है, उसका आलोचना और खंडन भी होता, आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। राम का नाम लेना नहीं चाहते, कृष्ण का नाम लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये धोखा है। सतगुरु श्री विलास साहेब ने सभी महापुरुषों का जीवन और दर्शन को अपनाया और अपने पूर्वज कहा, ये सब हमारे पूर्वज, जैसे हमारे पूर्वज माता पिता दादी दादा नानी हो गए, उसी प्रकार से ये सभी महापुरुष हमारे।
तो इस प्रकार से सतगुरु श्री व्यासाचार्य को पा करके हम सभी महापुरुषों का जीवन दर्शन को समझने के काबिल बने। यदि सतगुरु श्री व्यासाचार्य न मिले होते तो सभी महापुरुषों का दर्शन नहीं। आज 500 साल में 600 साल कबीर साहब का जीवन हुआ, लेकिन इतने दिन के अंदर में तमाम पारखी संत हुए। अब पारखी संतों में भी पर मत का खंडन किए और स्व मत का ही समर्थन किए, लेकिन सतगुरु श्री व्यास साहब की पर मत का खंडन नहीं, विशाल देव ने सत पर मत का खंडन नहीं, स्व मत का ही वर्णन करते रहे। तो इस प्रकार से यह संस्था का निर्माण हुआ है और इस संस्था आप सब के सहयोग से निरंतर चल रहा है। न हमारे पास जब आए आश्रम में जीरो में आया, किशोर भक्त ने दान दिया बुलाकर और उसी के बाद में आप सब देना शुरू किए, देते देते इस रूप में चल चल संपत्ति सब हो गया। और इतने यहाँ के जो सत्संग जो चलता है, लोग दूर दूर ख्याति बढ़ पड़ती है। सकरी आश्रम, सकरी गांव कौन जानता है, आश्रम के नाम, आश्रम के नाम से भी नहीं, तमाम आश्रम है, चुरभट्टी आश्रम है, बड़े बड़े आश्रम है, महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी आश्रमों को से आज आपके आश्रम ऊपर उठ गया। आपके आश्रम क्यों? क्योंकि यहाँ सत्संग निरंतर चलता रहा। और उसके लिए भी न किसी से चंदा मांगने की जरूरत पड़ता है, न किसी के घर जाने, बस इतना जानकारी मिलते ही आप लोग अपने मुट्ठी में बांध करके झोला में धर के बोरी में धर के आते हैं और उसी से ये सब अतिथियों का सेवा होता है। तो इस प्रकार से यह सत्संग निरंतर चलते रहना चाहिए। हम तो सोचते हैं बारहों महीना सत्संग होता रहा, उसका फल हमको भी मिल रहा है और आने वाले पीढ़ी को भी मिल रहा है। और रोटी धोती के लिए सोचे तो सबके साथ में प्रारब्ध है। जैसे जितने लोग आ गए हैं, जितने लोग यहाँ आए हैं, सबके लिए भोजन और सत्संग का व्यवस्था है। लेकिन आप लोगों को जो भोजन की व्यवस्था मिल रही है ये हमारे तरफ से है, ये नहीं मेरे तरफ से नहीं, सबके प्रारब्ध है। जो आते हैं यहाँ तक उसके प्रारब्ध में यहाँ अन्न जल दिखा है और सत्संग भी दिखा पता है। क्या इतने लोग हैं इस क्षेत्र में, सकरी में, चुरभट्टी में और गांव में इतने लोग हैं? नहीं, हजारों हजारों की संख्या है हर गांव में, लेकिन इतने लोगों का जो प्रारब्ध है रोटी मिलने का, सत्संग सुनने का, इतने लोगों पर भाग्य में होता है। जिसके भाग्य में होता है उसी को मिलता है, उसी को मिलता है, दूसरे को नहीं मिल सकता है। हमारे घर में ही है, अंदर में है और कहीं है, जिसका मन नहीं है उसको सत्संग भोजन फल नहीं मिलता, जो आएगा उसी को मिलता है, जो सुनेगा उसी को मिलेगा। देना नहीं पड़ता, देने वाले तो कोई और होता है और खाने वाले कोई और होता है, लेकिन खाने वाले का भाग्य है तभी, और देने वाले का जो कर्म बर कर रहा है उसको सब भाग। कल आए थे भैंस मंडी से आया था एक शिक्षक, शिक्षक ने पियो साहब, उन्होंने आया 1,000 रुपया तक चले गया सूखा भात खा करके, लेकिन उनके आज भोजन आप सब से भाग आप सब। और इसी प्रकार से अनेकों लोगों ने ला ला करके देते हैं, मुट्ठी में रख देते हैं, झोला में रख देते हैं, रसीद भी नहीं ले जाता है। अब इसको लिख कर लिख दिया गया पे बुक में, अब उसको जब ऑडिट के लिए रसीद बनेगा तो रसीद जिन जिन लोगों का दान मिलता है उनका रसीद फाड़ फाड़ ऑडिट में जाता है, जो दान देते हैं
इस प्रकार से जो आप लोग देते हैं उसमें एक एक पैसा कहीं अनर्थ नहीं। ये शरीर छूटेगा मेरा तो भी जो भी रहेगा समाज का कहीं अन्य नहीं जाएगा। आज तक जो मिला मिल रहा है सबका एक उदाहरण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कुछ मिल रहा है लोगों से कहा जाता है कि आप सब हिसाब हर महीना लेते रहे, लेकिन लोग कहते हैं हिसाब देने की आवश्यकता नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो हिसाब ही है, हिसाब दे रहे हैं आप निरंतर यहाँ क्या हो रहा है और कौन से आए हैं कुछ भी नहीं केवल समाज है। और इतना जो हो रहा है सबके लिए भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सोने का व्यवस्था, सारा व्यवस्था हो रहा है। ये सब को देख करके लोग कहते हैं हिसाब हम पे नहीं, हिसाब लेंगे तो हम किस प्रकार से कहाँ जाएंगे, आपसे हिसाब हिसाब नहीं। तो इस प्रकार से यह संस्था केवल आप सब चल रहा है और मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तो उसको तेरा तेरा उसको सौंप तक क्या लागत है मेरे सदगुरु से आशीर्वाद और समाज का सहयोग सदैव बना रहा। मुझे तो एक तरह से मैं लगता है जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी होता है, क्रिकेट ग्राउंड मिल जाता है और खूब खेलता है, उसी प्रकार से विश्व भगत में यह क्रिकेट ग्राउंड के रूप में यह संस्था को आश्रम का निर्माण कर दिए और यहाँ मुझे जीने का खेलने का अवसर मिला, बहुत बढ़िया अवसर मिला सेवा करने का। आज ये सेवा ना तो कितने लोग गुप्त प्रकट दान दे रहे हैं, चल अचल संपत्ति दे रहे हैं, वो कहाँ से जाता है। इस सेवा के बल पर रानी सागर की एक माँ थी तो वो आई दो तीन बार यहाँ देखी, कबीर जयंती में गुरु पूर्णिमा में यहाँ सेवा होता है मुझे भी देना चाहिए कुछ, उन्होंने आधा एकड़ जमीन इसी और ये जो भूखौ मंडल था उन्होंने भी देखा यहाँ बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ा संपत्तिशाली नहीं था भूखौ मंडल, लेकिन उन्होंने भी याद है पुराशी में सियाराम है, सियाराम बहुत बड़ा गौटिया नहीं है, उनका दो बेटा 55 एकड़ उन्होंने दिया दोनों बेटा को और अपने लिए बचा था उसमें से याद है। इसी प्रकार से परसदा में भी 1.25 एकड़ जमीन है आप यहाँ भी है। तो इस प्रकार से यहाँ आप सबके सहयोग से सेवा के बल पर सत्संग के बल पर यह सब हो रहा और कभी घटा नहीं है आज तक न कभी घटे। हम सब सेवा में समर्पित रहे उसी प्रकार से अपने आत्मा में वो धन से शांति मिल सुख मिलता है, लेकिन शांति शांति के ही ये सत्संग शांति पाना है तो सत्संग का ही सहारा, धन से परिवार से सुख मिलता है, दुख और सुख का कारण धन और जन है, लेकिन शांति का कारण है वह है धर्म। एक धर्म ही है शांति, केवल विचार देखो दुनिया के सारे नाते बिल्कुल असार, कोई किसी का नहीं है, न कुछ लेकर हम आए हैं न कुछ लेकर के जाएंगे, लेकिन इतना बिल्कुल सत्य है हमारे जन्म से जो कुछ मिला माता पिता परिवार जन धन संपत्ति दिल दिमाग बुद्धि जो कुछ मिला ये मेरे भाग्य से मिला। अब यहाँ आने के बाद फिर कर्म कर रहा हूँ, वो कर्म से हमको निरंतर वृद्धि हो रही है विकास हो रहा है, तुम मेरे साथ में क्या जाएगा, यही जो मैं कर रहा हूँ उसी का संस्कार मेरे साथ जाएगा। इसके साथ में जीव के साथ में और जिन्होंने निष्काम कर्म कर दिया कुछ मेरा नहीं कोई मेरा नहीं मेरा कर्तव्य सेवा करना, जो सेवा करता है उसका फल अगाध मिलता है, अगाध मिलता है।
एक उदाहरण, हमारे आश्रम जब बना तो एक सच्चे साथी अमर लाल, जिसका नाम हंस पड़ा, ये शुरू से मुझे समर्पित पूरा साथ। मैं कभी नहीं सोचा कि कौन रहेगा साथ, कौन देगा, मैं बाहर कहीं जाऊंगा। देखिए इन्होंने आज इस 21 वर्षों से पूरा समर्पित होकर के अपना जीवन जी रहा है, कर रहा है, तन मन से पूरा त्याग। संन्यास किसी को कहा जाता है, संन्यास किसी को, लेकिन इनका जीवन साथी ललिता देवी, उन्होंने भी घर में कुछ दिन रही, भोजन बनाती रही कुछ दिन, साल दो साल, उसके बाद यहाँ ही उन्होंने भोजन करके कुछ सेवा करके चली जाती, दोपहर भोजन करके संध्या भोजन करके अपने घर में चली जाती। इन्होंने उनको कहता रहा, अब किसके लिए हम सोचेंगे, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सोचो, सोच लो, आत्मा को शांति मिले वह काम करो। इस प्रकार से उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने 20-21 वर्षों तक आप सबका परीक्षा लेता रहा, परीक्षा लेता रहा। अब परीक्षा में आप सब से आश्रम सफल हुआ, तो उन्होंने आज 15-20 दिन पूर्व अपना चल अचल सब कुछ संपत्ति सौंप आश्रम। अब वो घर के रूप में नहीं रह गया, उसको आश्रम के रूप में परिणत किया जा रहा है। आश्रम के रूप में बाथरूम, शौचालय, रहने का, अति महिमाएं, उसको आंगन है, बाड़ी छह कमरा है, बरामदा है। तो इस प्रकार से उन्होंने सब कुछ को इनको बता दिया। इन्होंने फिर हम सब को बताया, ये क्यों होता है, सेवा सेवा सेवा, आप सब ठीक करेंगे तो आपका भी कोई परिवार में रह करके सेवा करोगे, उसका फल आपको शांति मिले। किसी सेवा तो इस प्रकार से आश्रम है, सत्संग का ही एक मात्र सहारा। धन तो आप लोग कमाते हैं, धन की कमी नहीं आपके पास, जन की कमी नहीं है, लेकिन आश्रम है। विश्व भक्त ने कहा, एक बरगद का वृक्ष में रोप देता हूँ और खूटी में छाता झोला टांगने का जगह बना देता हूँ, खूटी में टांगा जाता है। तो उन्होंने एक बरगद का वृक्ष इस आश्रम को माना था, आश्रम को बरगद बनाया और खूटी टांगने के लिए चार कमरा बना करके चले गए। लेकिन आज एक विशाल वृक्ष के रूप में तैयार हो गया। इसका आप सब लाभ हमेशा लेते रहें, आश्रम में रहें और सेवा सत्संग का आपके आने वाले पीढ़ी को भी अच्छे संस्कार मिले। हम और आप सब कुछ भी देखते हैं, यहाँ ही हम लोग देखे हैं नंदू भगत, विश्व भगत और तमाम गुगुल भगत, ये सब बड़े बड़े भगत हैं, लेकिन इनके साथ कुछ भी नहीं है। क्या किया, जो कुछ अपने जीवन काल में जो किया उसी का संस्कार इन्होंने किया। इसी प्रकार से हमारे साथ में ना जन जाएगा ना धन जाएगा, लेकिन उनका सेवा करते हुए, रक्षा करते हुए अपने आत्मा को ना भूल। आत्मा जैसे माँ हर काम करती है, खेती बाड़ी किचन सब जगह करती है, लेकिन उसका लक्ष्य हमेशा अपने गोद में जन्मे हुए शिशु पर रखना, हमेशा शिशु को, कहीं बच्चा गिर न जाए, बच्चा मल मूत्र में पड़ा न रह जाए, बच्चा चलने लायक हुआ है कहीं कीचड़ में न चले जाए, बाड़ी में न चले जाए, कुआं तरफ न चले जाए, बाहर गली में न चले जाए, निकल जाए और जानवर रौन देगा। तो माँ का हमेशा लक्ष्य बच्चे पर होता है, माँ का हमेशा लक्ष्य बच्चे पर होता है। उसी प्रकार से हम सब का लक्ष्य कहाँ होना चाहिए, अपने आत्मा के उद्धार। आत्मा हमारा मूल पूंजी, आत्मा है,
और जो कुछ भी हमको मिलता है दुख और सुख धनी निर्धन के रूप में वो हमारा कर्म है। कर्म कर्म हमारा अच्छा है तो किस्मत हमारी दासी है, और धर्म हमारा अच्छा है तो घर में मत खांसी। कर्म धर्म दोनों अच्छे हैं तो जीवन बना अविनाशी है, और कर्म धर्म दोनों बिगड़ गया तो गले के यम फांसी। गले के यम तो कर्म अच्छा है तो किस्मत हमारी दासी, ऐसा किस्मत कहते हैं भाग्य। वो दासी बनते कहीं भी जाओगे वो सेवा करेगा, रक्षा करेगा, रक्षा कराएगा। किस्मत किस्मत से सब कुछ मिलता है, इसलिए मैं कुछ भी जमा नहीं। ये हमारे संतों ने कई बार मुझे कहा, कुछ तो जमा करके रखिए अपने लिए, अथवा संस्था है इतना लोग आते जाते हैं कभी भी विपत पड़। मैं कहा कि कभी जरूरत पड़ेगा, दुख और सुख आएगा, कर्म है। मेरा भाग्य जैसे रहेगा वैसे मुझे मिलेगी, वैसे ही सेवा होगा। वैसे आज ही कल ही में बताया, यदि मेरे शरीर में आज ऐसे व्याधि आ जाए और समाज को मालूम पड़ जाए तो 2 लाख रुपया नहीं 5 लाख रुपये की भी जरूरत पड़ेगा तो भी मिल जाएगा। और लाख नहीं, मेरे शरीर की रक्षा के लिए सब लोग आ जाएंगे। यदि हमारे घर में हजारों आदमी कोई आ जाए और हमारे यहाँ कोई अन्न न रहे तो समाज को पता चले तो तुरंत झोला झोला लेकर के आ जाएगा। मुझे दृढ़ विश्वास इसमें कोई कसर नहीं। इस प्रकार से अपने भाग्य और कर्म पर अटूट विश्वास करो, अटूट विश्वास। इसलिए सतगुरु श्री अभिलाष साहब ने कहा है, पायो मानुष तन अल बेला, कर लो संत समागम मेला। बेला ऐसो न मिलेंगे तो कुभाय, पायो मानुष तन अल बेला, कर लो संत समागम मेला। बेला ऐसो न मिलेंगे तो कुभाय, नर्तन उत्तम मुक्ति द्वार को पायो करण भजनिया। देखी के भुलाए गयो मसती जवनिया, यह सुनराई यह छयल चिकनिया। अरे नहीं रहे रोज उतर जाए पनिया, थोड़ी है उजेली फिर अंधेली रैनिया। पानी के फिनाव जैसे तैसे जिंदगनिया, कही के भरोसे तुम करो जी गुमनिया। नारी सुत घर बंधु कुटुम जहनिया, चलती समय तेरी होएंगी पीरनिया। शब अभिमान तेरी होएंगे चुनिया, भैया देखो आँख उघारी अभी कर लो खबरदारी। सारी माया मिलेंगे तेरी धूल, पायो मानुष तन अल बेला, कर लो संत समागम मेला। बेला ऐसो न मिलेंगे तो कुभा, अरे चोरी हिंसा व्यभिचार तुम त्यागो निज तन से। गाली निंदा झूठ कटु चुगली त्यागो वचन से। ईर्षा क्रोध मान छल दुर्गुण तटो अपने मन से। पर उपकार संत की सेवा कीजे तन धन से। गांजा भांग तंबाकू बीड़ी अपनी हानि विषन से। याते सभी अमल को त्यागो निर्मल रहो अमन से। दया विचार शील श्रद्धा प्रेम भक्ति गहु मन से। मानुष तन को लाभ मोक्ष है कर लो भजन भक्ति भजन से। अवसर बार बार नहीं आवे चूके अंत समय पछतावे, कर लो अपनो जन्म निश्चिता।
पायो मानुष तन अल बेला कर लो संत समागम मेला, बेला ऐसो न मिलेंगे तो को भाई। अरे धन सुत नारी कल कुल कुटुंब से होएंगे विदाई, जेई काया में अठा घूमे ओहो संग नहीं जाई। कर्म कथा या सत्य सत्य है या में झूठ नराई, पाप गठरिया मत बांधो जीवन है थोड़ा भाई। खाने वाले कुल कुटुंब है पापन कोई बटाई, पाप के बदला दुख पाओगे रोए सही सिराई। आज के ओहदा विद्या प्रभुता करे न कोई सहाई, मानुष तन को लाभ मोक्ष है कर लो भक्ति बजाई। अवसर बार बार नहीं आवे चुके अंत समय पछतावे, कर लो अपनो जन्म निश्चितार। पायो मानुष तन अल बेला कर लो संत समागम मेला, बेला ऐसो न मिलेंगे तो को भा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम पुनः आशा करते हैं आप सबके प्रगति निरंतर बढ़नी चाहिए, सत्संग में रुचि बढ़नी चाहिए, ताकि आप आगे बढ़ेंगे, आपका जीवन निर्मल होगा, आने वाले पीढ़ी को भी लाभ मिलेगा। इसलिए सत्संग इसीलिए रखा जाता है। मैं तो कहीं भी जाकर के किसी भी संतों के आश्रम में रह करके मैं सुन सकता हूँ, लेकिन यहाँ क्यों होता है, क्यों बुलाते हैं? क्योंकि अपने को लाभ तो मिलेगा लेकिन समाज को भी मिलना, समाज को मिलना। मेरा पेट भर गया इतने में नहीं, समाज का भी पेट भरना। मुझे शांति का मार्ग मिल गया तो औरों को अशांति के रास्ता नहीं, जो आश्रम का सहारा लेगा सब कुछ। इसी कामना बोलिए सतगुरुदेव।